स्वामी जी आपका स्वागत है, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। रोज दौड़ लगाना चाहिए, रोज तैरना चाहिए, खेलना चाहिए, और इससे लंग की एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। और हो सके तो जैसे हम यहाँ पेड़ के नीचे कर रहे हैं, किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पहाड़ों में, गिरी गब्बरों में, उपत्यकाओं में, या प्रकृति के बीच, जैसे हम यहाँ वट वृक्ष के नीचे, बड़ के, पीपल के, नीम के और बेल के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ करके लंबे लंबे श्वासों के साथ जब ऐसे करते हैं ना, एक ये कम से कम योगिक जोगिंग का एक, और ये दूसरा अभ्यास, ये दो, ये अवश्य करना चाहिए। ऐसे और ये लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है योगिक जोगिंग। फिर सूर्य नमस्कार पे बताएंगे, ये ताड़ासन, ये दो अभ्यास ना फेफड़े को इतना स्ट्रोंग बना देते हैं। फिर जिनका फेफड़ा बहुत कमजोर होता है उनको लंग बस्ती भी करते हैं, उनको नसें भी देते हैं, नसें में नाक के अंदर तेल डालते हैं और नाक के दोनों तरफ चेहरे पर और माथे पर मसाज करते हैं धीरे धीरे करके, बादाम रोगन, अणु तेल, और बहुत ही पुराना कफ नजला जमा होता है तो अणु तेल में ज्योतिषमती तेल और मिला देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और दिव्य धारा से स्टीम लेते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है। कोरोना के समय तो बहुत लोगों ने ये किया भी था, अब फिर भूल गए। सप्ताह में कम से कम एक बार नस्य, सप्ताह में कम से कम एक बार ये स्टीम, एक बार एलोवेरा, हल्दी, अमरूद के पत्ते, इनको अच्छे तरह से क्रश करके थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल के, इन सभी का पानी हो जाता है, एलोवेरा, हल्दी, फ्रेश, या फ्रेश ना मिले तो पाउडर डाल सकते हैं, एलोवेरा, हल्दी, अमरूद के पत्ते, और इसको अच्छे से उबाल करके गुनगुने में ही थोड़ा सेंधा नमक डाल के इससे गरारे करें, ये स्टीम ले। जैसे हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो भाई, स्टीम ले रहे हैं, ऊपर से कपड़ा और ढक दे देते हैं, और एक कफेष्टी हवन से हवन करते हैं, और मुलेठी, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, फिर उसमें कपूर, ये सब डाल करके उससे धूम नस्य भी करते हैं। और ये लंग बस्ती के लिए उड़द के आटे के ऐसे ये दो गोल घेरे बना लेते हैं, और दो गोल घेरे बना करके उड़द का ही फिर आटा, उससे गोल घेरे बनाए, और उस आटे में थोड़ा सा पानी और लगा करके, और कहीं बाहर ये तेल रिसे नहीं, रिसाव ना हो, बाहर बहे नहीं, इसके लिए फिर अंदर से पूरा इसको पैक करके, इसमें गरम गरम सरसों का तेल, इसमें गरम गरम तिल का तेल या सेंधवादी तेल, बला तेल, और उसमें तेल में थोड़ा सा दिव्य धारा और मिला देते हैं गरम गरम तेल में, या ये भीमसेनी कपूर जो हमारे भाई इधर ये नस्य की तैयारी कर रहे हैं, अब इसको जब डाल करके उससे गरम गरम तेल से जब बस्ती करते हैं, गरम गरम स्टीम लेते हैं, और गरम गरम ही गुनगुने तेल से ही नस्य करते, और उसी का धूम नस्य भी बताएंगे, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये सूर्य नमस्कार, बड़ा ज़बरदस्त है। और आज पूरा फेफड़ा स्वस्थ बना करके छोड़ेंगे, सुबह उठ करके ये शंख बजाया करें, शंख ध्वनि अपने आप में ऐसे ये शंख ही बजाते हैं, इसको लंबा बजाते हैं ऐसे, और जब ऐसे लंबा शंख बजाते हैं, अभ्यास होना चाहिए, जैसे हमारा तो 1 से 2 मिनट तक के बजाने का अभ्यास है। एक बार पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी, और हमने वो कितनी उम्र हो गई है तो भी उन्होंने बराबर
एक मिनट से ज्यादा हमारे साथ साथ बचाया, इससे फेफड़ा स्ट्रांग हो जाता है और वो हर दिन योगाभ्यास करते प्राणायाम करते इसलिए इतना लंबा बजा पाए। शंख बजाने से, दौड़ने से, सूर्य नमस्कार से, प्राणायाम से और ये धूमनस से, अब इसने ये सौंठ, पिपल, काली मिर्च, मुलैठी, अजवायन और भीम सैनी कपूर ये इसके अंदर डाल करके ये हुक्के जैसा है और ये धुआं निकाल रहा है। ये तो ऐसे पी रहा है, पहले हुक्का पिया हुआ है क्या? मैंने कहा धुआं ऐसा निकाल रहा है स्टाइल से जैसे पहले से प्रैक्टिस कर रखी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।